अमदावाद 8 एक्स्ट्रा वेगेंजानु आयोजन करवा माटे तैयार छे, जे कोईए पहला जोयु नहीं होय 15 थी 18 डिसेम्बर दरमियान अमदावाद खाते योजानार 8 फेरमा भारतनी 15 थी वधु टोचनी 8 गेलरीओ अने 150 थी वधु जाणीता कलाकारो भाग लेशे। 8 फेरनो आयोजन इंटरनेशनल क्रिएटिव आर्ट सेंटर अने जेएस आर्ट गेलरी मुंबई द्वारा करवामां आव्युं छे। तेनुं ध्येय गुणवत्तायुक्त पब्लिक आर्ट प्लेटफॉर्म बनावीने कलाना खरीददारों, गेलेरीओ, डीलरों, कलाकारों, संग्राहकों अने गुण ग्राहकों वच्चे सहयोग अने नेटवर्किंग नी सुविधा आपीने कला जोवा अने खरीदीनुं लोकशाहीकरण करवानुं छे। ते कलानी दुनियाना तमाम हितधारकोने एक छत नीचे लावशे, जे तेने अमदावाद शहेरने एक प्रकारनी घटना बनावशे। अहेवाल अश्विन निंबासी, अमदावाद। रविन्द्र मरडिया फ्रॉम आईसीएसी आर्ट गैलरी, हमारी साथ में बेटा सूरज जहरू सर फ्रॉम जेएस आर्ट गैलरी मुंबई। वी आर बोथ जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग द आर्ट फेयर अहमदाबाद में। पहली बार आ स्केल एक आर्ट फेयर अमे बने सहयोग की उजवी रहा छे। क्या क्या विस्तार आर्टिस्ट के आर्टिजेक्टर ये लोग आवाना छे, तेमनी साथे जे आर्ट का तो पेंटिंग कई कई कैटेगरी ना लेने आवाना छे। आ एक ओपन आर्ट फेयर छे, एमा हिंदुस्तान ना खूणे खूणे थी, चेन्नई थी, बेंगलोर थी, पुणे थी, शांति निकेतन थी, कोलकाता थी, जयपुर थी, अजमेर थी, बॉम्बे, दिल्ली, बधे खूणे खूणे थी आर्टिस्ट अहीं भेगा थया छे। ने ई जे आर्ट छे ई बधी ज कैटेगरी नुं आर्ट छे, एक पर्टिक्युलर कैटेगरी नुं आर्ट नथी। एमां एब्स्ट्रेक्ट भी छे, फिगरेटिव भी छे, कॉम्प्रिहेन्सिव भी छे, बधा ज जातना आर्ट भेगा थया छे। आर्टनुं रेन्ज भी एवुं छे के बहु मोंघा आर्टवर्क आपणे तो आई एम बेस्ड इन शांति निकेतन, यू नो टैगोर प्लेस शांति निकेतन। तो मेरे को मैं होल वर्ल्ड मैनचेस्टर, टर्की, जापान, एवरीवेयर मैंने शो किया है। इंडिया का तो सब जगह इंडिया आर्ट फेयर में जब शुरू हुआ था ना, तो मैं बहुत सारी उसमें था, इंडिया आर्ट फेस्टिवल में था। अभी सूरज भाई ने मेरे को यहाँ पे इन्विटेशन दिया था, तो मेरे को अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे इतना सारी रिच आर्टिस्ट, रिच गैलरी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को ये अच्छा लगा, ये सब एक्टिविटीज, ये सबसे अच्छा लगा। आर्ट इतना, देखिए इंडिया में इतना 150 करोड़ का आबादी है, तो मेरा हिसाब से 1 लाख लोग आदमी आर्ट समझता है, प्योर आर्ट समझता है। किसी को पता ही नहीं ये आर्ट कौन समझता है। आपको पता है क्या है इसमें, ये पता है, लेकिन आर्ट ये है, हमको देखने के लिए अच्छा लगता है। आप आर्टिस्ट को बोलो, पूछो कि आर्ट क्या बनाया, वो बोलेगा नहीं, क्योंकि जितने भी मास्टर आर्टिस्ट है ना, ये सब मेरा बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। तो विनीता जो है, ये सब कुछ एवरीवन, ये जो जितना, ये अभिजीत, ये सुनील पदवाल, सब मेरे दोस्त है, लेकिन कभी बोलता नहीं है जी। एक आप अपना सपने समझो ना, क्या है इसमें, आप अपने आनंद दो, आर्ट है आनंद, आनंद के लिए, शांति के लिए। तो